गाइस या वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का नॉट गेम फ्रीड के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से कार फॉर सेल वर्ल्ड के अंदर। अगर आप लोगों को पता होगा भाई, हम लोगों का पूरा कलेक्शन कंप्लीट एकदम रेडी है सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी को छोड़ के, जो हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। और भाई मेरे को बताओ तुम लोग क्यों कौन सी गाड़ी, क्योंकि मैं भाई पिछले बहुत सारे एपिसोड में सिर्फ उसी का नाम ले रहा हूँ। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता रहा हूँ वो कौन सी गाड़ी है जो हम लोगों का कलेक्शन कंप्लीट कर देगी। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक वाला बटन दबा दो, 100 के लाइक का गोल है, फटाफट से कंप्लीट कर दो। मैं तो कहता हूँ 101 के लाइक का टीका लगा दो भाई, तो फटाफट से कंप्लीट कर दो। बाकी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कराया कर देना गाइस, 3 मिलियन की तरफ को जा रहे हैं। चलो चलते हैं फटाफट से कार फॉर सेल के अंदर और करते हैं अपना कलेक्शन आज कैसे भी कंप्लीट। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने शोरूम के अंदर। एंड भाई साहब यार सोचो ना यार, तुम जस्ट एंटर करते हो शोरूम में और तुम लोगों को दिखती है ये वाली गाड़ी भाई। जस्ट शोरूम में एंटर, एक आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई ये? भाई तुम जस्ट शोरूम के अंदर एंटर करते हो तुम्हें दिखती है ये वाली गाड़ी भाई। सुनो मैंने, एक मिनट रुको यार, जरा इस गाड़ी को मैं सेल पे लगा दूं भाई, रुक जाओ यार, निकालो ये वाली गाड़ी को भाई। अरे ये क्या है, ज़्यादा तेजी क्या? हाँ बता दूंगा 2 मिनट में, देख रहा कौन सी गाड़ी निकलवा रहा था मेरे से अभी ये। हाँ ये है शेवरले C10, इसको हम लोग, तुम्हें पता ही है भाई हम लोगों का क्या चलता है, ठीक है? तो ग्रेट कार तो है ये, हमेशा ही रहती है। $12,000 में निकल रही है, मैं इसको $1 में निकाल दूंगा। चलो ठीक है, $1 का लगा के इसको मैं सेल पे लगाता, रुक जाओ। और कोई लेगा नहीं लेगा भाई, इसको मैं वो भी कर देता हूँ, क्लीन भी कर देता हूँ, तो कोई लेगा नहीं लेगा वो भी पक्का हो जाएगा ना। खाली पता चला कोई ले ना इसकी वजह से कि धुली नहीं है, या फिर कोई बार्गेन करने आ जाए कि नहीं भैया मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, 50 पैसे में मानोगे तो बात करो। यू नेवर नो भाई कैसे भैया। ओए ओए मैं कर रहा हूँ ना साफ, मेरे 4 XP पॉइंट ले गया। हाँ बताओ कैसा लगा आपको मेरा पॉइंट फ्रेंड। द कार वॉज अ लिटिल बिट इन एक्सीडेंट यू ड्राइव, आई विल टेक अ मिनट, द प्राइस इज फेयर, आई विल टेक इट। रुक जाओ, बारगेन, $2 दे, $2। द प्राइस इज बॉदरिंग मी। छी यार इसको प्राइस बहुत महंगा लग रहा है यार। इट अपेयर दैट यू हैव रेज द प्राइस फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट, इज देयर एनी रूम फॉर नेगोशिएशन। चल ठीक है एक में ले ले यार, एक का ऑफर दे रहा हूँ मैं, $1 का, कम ऑन यार। थैंक यू भाई, थैंक यू मेरी भाई। लिटरली उसको मैंने गाड़ी दी, उसको मैंने एक की जगह $2 बोले, तो बंदी भाई बोल रही है कि कुछ विगल रूम है बोल। अरे भाई $12,000 की गाड़ी उस बंदी को मैंने लिटरली एक तो इतने सस्ते में, भाई कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का भाई। इनको चाहिए फ्री में गाड़ी, मुझसे लिख के लो। वो चाह रही थी कि उसको फ्री में ही दे दूँ मैं गाड़ी, मैं उसके नाम ही कर दूँ गाड़ी, उसके नाम मैं गाड़ी के अपना वामू शोरूम कर दूँ पूरा, वो ये चाह रही थी भाई। लेकिन यार कसम से भाई सोचो ना यार, तुम लोग ऐसे करके आते हो वामू शोरूम के अंदर और तुम्हें सीधे सामने ये इंडियन फ्लैग में 3 GTR दिखती हो, माय गॉड भाई कसम से यार, मैं तो, मेरा ऐसा दिल ऐसा हो जा रहा ना बिल्कुल, ऐसा कैसे करूँ यार मैं, कैसे बताऊँ तुम्हें, मौसम ऐसा हो रही है दिल गार्डन हो रही है वाला हो रहा है बिल्कुल लिटरली भाई। बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहा है भाई ये। ग्रीन वाली को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं पिछले, इसके बगल में हम लोग अपनी अपनी वाइट वाली निसान GTR, जो वाइट वाली है, वाइट वाली समझ रहे हो, इसका मतलब मेरे पास कितनी निसान GTR है, अगर मैं बोल रहा हूँ वाइट वाली को रख देते हैं तो तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात। चलो और अपनी गोल्डन GTR को तो हम लोग भाई कहाँ रखेंगे तुम्हें पता ही है, बस इसको तो अपने मेन कलेक्शन के बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। देयर वी गो गाइस, अभी के लिए हमारे कलेक्शन में देखो कौन कौन सी गाड़ी अपने पास है। द क्रेजी सुपर MK5 है अपने पास, 992 अपनी GT3 RS है, फिर अपने पास अपनी लैम्बोर्गिनी है भाई, इसको अभी के लिए गलाडो मान लेते हैं, ठीक है, गलाडो अपने पास क्या कहते हैं, R8 है, ऑडी R8 है जो कि साफ नहीं है, इसको साफ कर देता हूँ भाई। हेलो, कलेक्शन वाली गाड़ियाँ सारी साफ रहनी चाहिए पूरे टाइम पे, ये भैया को मैंने समझा रखा है, बट भैया ना यार कभी कभार साफ नहीं करते, तब मेरे को गुस्सा आता है। फिर ये हो गया, उसके बाद अपनी GTR हो गई, फिर अपनी लंबी वाली फरारी ईवो हो गई, ईवो नहीं है मतलब FXXK है, और उसके बाद अपनी ये हो गई Mazda RX-7, फिर अपनी फरारी हो गई, यार ये फरारी स्पाइडर जैसी लगती है बट आई एम नॉट श्योर, अगर तुम लोगों को पता है तो बताना कमेंट सेक्शन में। फिर अपनी मस्टैंग GT तो है ही यहाँ पे, ठीक है, शेल भी नहीं है इसमें, स्नेक नहीं बनाना, तो यस अपनी मस्टैंग GT तो है ही यहाँ पे, ये सारी गाड़ियाँ हैं। फिर अपनी इधर पा जाते हैं BMW M3 गाड़ी है, फिर एक और फरारी XXK है, उसके बाद अपनी एक और क्या कहते हैं उसे Mazda RX-7 है, और उसके बाद अपनी दो और निसान GTR है भाई साहब।
यार कसम से यार मेरे को ऐसा हो जाता है ना दिल पे भाई, मैं बता भी नहीं सकता तुम लोगों को कैसे बटरफ्लाइज कूदती है भाई ये सोच के कि अपने पास दो और निसान GTR है। बट आज हम लोगों को अपना कैसे भी भाई, कैसे भी मुझे नहीं पता, बट हम लोगों का पूरा कलेक्शन कंप्लीट करना है भाई। चाहे आज भाई हो जाए, पूरा दिन लग जाए, 24 घंटे लग जाए मेरे को, लेकिन आज आएगी लाइक डॉज वाइपर, तो आज आएगी डॉज वाइपर। फिर चाहे कुछ हो भाई, कुछ हो चाहे, फिर डॉज वाइपर आ रही है, मतलब आ रही है। बट एट द सेम टाइम हम लोगों के पास, अगर अभी देख रहे हो तो हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ $47 लाख पड़े हुए। हम लोगों को इसको एटलीस्ट नहीं भी तो कहीं तक का $7 मिलियन तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। मैं मानता हूँ कि $7 मिलियन में अपना मनी एंड $1, बहुत बढ़िया भाई, $1 में गाड़ी बेच दी हम लोगों ने, बताओ भाई। ए यार यहाँ का मिस्टर बीस्ट हो रखा हूँ मैं तो भाई, तुम्हें क्या बताऊँ, तुम हल्के में ले रहे हो भाई को। चलो ठीक है, हम लोग जाते हैं फटाफट से ऑफिस में। अब सोचो, जस्ट सोचो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, बट जस्ट एक बार के लिए सोचो गाइस। मैं यहाँ से अपनी M3 निकालूँ, ठीक है, M3 में जाएंगे आज हम, ठीक है। थोड़ी, अरे यार गंदी कैसे, अच्छा ओके नेक्स्ट डे हो गया ना, हाँ तो गंदी हो जाती है ना फिर नेक्स्ट डे में। चलो ठीक है, अब सोचो मैं यहाँ से अपनी M3 निकालूँ, ठीक है, ऑक्शन चेक करने के लिए, और वहाँ पर ऑक्शन में सोचो डॉज वाइपर आई है। भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, मैं तो पागल हो जाऊँगा भाई अगर ऐसा सच्ची में हो गया तो, ठीक है। नहीं आएगी यार, अबार्थ आ गई ना, अबार्थ आ गई तो फिर एक टाइम पे एक ही अच्छी गाड़ी आती है, ये तो मैंने देख लिया है। बहुत रेयर होता है कि दो अच्छी गाड़ी आ जाए, बट एक टाइम पे एक ही अच्छी गाड़ी आती, तो यहाँ पर बाहर था कि तो अपनी आएगी, ठीक है। तो हम लोग कैसे भी सबसे पहले $7 मिलियन करने हैं यहाँ पर। अब ये वाला ऑप्शन तो हो गया ख़त्म, तो इसको हम लोग जरा अपनी BMW को वापस यहाँ पे इज्जत से खड़ी कर देते हैं। भाई M3 भी क्या लगती है ना दिखने की, मतलब फॉर द प्राइस और जो चीज़ें वो ऑफर करती है, बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाता है भाई, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मस्त लगता है सही बताऊँ तो, ठीक है। चलो चलते हैं, एक और चीज़ मैं जो भूल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है, जो कि है कि हम लोगों को ना कार वो भी देखना पड़ेगा रेसिंग वाले में। तो मैं ना ये ऐसे करके आता जा रहा था, कार मार्केट इज़ ओपन, बेस्ट भाई बेस्ट, यही तो चाहिए था हमें, कार मार्केट ही तो चाहिए थी। कार मार्केट में अगर हम लोग को ODR8 मिल गई तो कहीं भी हमारे $5 लाख एक बारी में नहीं गए भाई, मतलब आराम से मिल जाएंगे हम लोगों को $5 लाख, ठीक है। दो दो फरारी एक साथ भाई, ये सिट्रॉन भाई जी भाई, ओ वॉक्सवैगन बीटल भी खड़ी है वैसे, मतलब ठीक ठाक बिक जाती है, बट वही है बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है ना। चलो फरारी F430 है यहाँ पर, इससे बार्गेन करते हैं, $2.5 लाख बोल रहा है, मैं इससे बोलूँगा कि $1,90,000 में दे रहा है, तो $3.5 लाख के आसपास की बिकती है ब्रो। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाऊँगा लो, चल ठीक है $2 लाख, बात खत्म यार, मुझे पता है $2 लाख में बेच देगा ये बंदा, ठीक है ना। हाँ 50% डैमेज्ड गाड़ी दे रहा हूँ, कह रहा है यू विल बी सेटिस्फाइड विद दिस कार, देख रहे हो, और 96% डैमेज्ड गाड़ी और $3 लाख मांग रहा है, पागल है क्या, है कुत्ते ने काटा है क्या भाई, 4% और तोड़ दे खत्म ही हो जाएगी गाड़ी, जंक यार्ड डाल देता हूँ, चोर कहीं का भाई, 96% डैमेज्ड गाड़ी देख रहे हो भाई, गॉड कह रहा है चोरों की ना संख्या बढ़ते जा रही है इस दुनिया में भाई। एक काम करते हैं, सुनो जो चीज़ मैं तुम लोगों को बोल रहा था पहले भी, कि हम लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करनी पड़ेगी, मैं कंटेनर नहीं जानता, माय बैड, गलती चल गया, मैं कंटेनर ऑफिस जाना है, इन दोनों गाड़ियों को देखो सीधी सी बात है रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी कहाँ जाने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हम लोगों को जाना है, जो कि हमारी जहाँ पर रेसेस होती है वहाँ पर हम लोगों को जाना है एक बार, और जाके चेक करना है अगर कोई अच्छी गाड़ी आई होगी, क्योंकि अगर सोचो बाई चांस वहाँ पर एक ODR8 आ जाती है, हम लोग अपनी ODR8 लेके जाएंगे, वो फुल्ली मैक्सड आउट एकदम तगड़ी वाली ODR8 है, ठीक है। बेटे तूने जो ये करा है ना, अगर मेरी गलती नहीं होती फिर मैं तुझे बताता भाई मैंने बिना चेक करे पीछे यार गाड़ी डाल दी, गलती तो मेरी है भाई, ठीक है। चलो चेक करते हैं फटाफट से, प्लीज बोल दो कि यहाँ पर एक अच्छी गाड़ी आई है जिसको रख लो भाई, और गाड़ी में भी पैसे भी मांगूंगा ना, अगर बैटरी होगी तो भाई $300 देते हैं चोर कहीं के, इनकी शक्ल देख लो जरा, चोर जैसे तो लगते भी हैं। चलो भाई क्या भागती है यार M3, क्रेजी कार है भाई, बहुत ज़्यादा क्रेजी कार है। फटाफट से जाते हैं जल्दी से जाके, आई होप भाई, सोचो अभी तक का देख रहा हूँ हम लोग चक्कर काट के भी आ गए, अभी तक का हमारी दोनों में से कोई भी फ्राई सही नहीं हुई है, ये बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है भाई, बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है, ये भी एंड पे है, ये तो भाई बहुत टाइम लगाएगी। तो एक काम करते हैं इसको ऊपर ही धो देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसको ऊपर ही क्लीन कर देते हैं हम लोग, ठीक है, जब तक ये ऊपर है। ये देख रहे हो भाई, यार तुम्हारे भाई के हाथ में सफाई है यार, तुम समझ रहे हो, मतलब मैं कर ही सफाई रहा हूँ वैसे तो, बट मतलब वही वाली बात है कि तुम्हारे भाई के हाथ में थोड़ी सफाई भी है। अब यार कहाँ पे बच रही है, देयर वी गो, बढ़िया क्लीन हो गई,
भाई ने भी हमारी ये वाली गाड़ी भी उतार दी है, अब इसको फटाफट से इसका पेंट वेंट सही करके इसको लगाते हैं हम लोग, कैसे भी आज $7 million एटलीस्ट अपने जेब में कर देने, और उसके साथ साथ हम लोगों को डॉज वाइपर भी ढूंढनी है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत क्रेजी सा वो है चैलेंज है दिमाग में, तुम लोगों को लाइक तुम लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में, अगर तुम लोगों के पास भी कोई बढ़िया सा चैलेंज होगा तो लाइक आई हैव नो इश्यूज़ भाई, ढूंढने में कुछ बढ़िया मिल जाए तो लाइक मेरे को कभी भी इशू नहीं होता भाई, तुम अच्छी चीज़ें बताओगे तो मज़ा ही आएगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा लाइट पर्पल जैसा कलर देते हैं और इसको हम लोग भेज देते हैं वहाँ पे टो ट्रक पे, और दूसरी वाली भी, हाँ दूसरी वाली भी रेडी हो चुकी है, तो चलो फटाफट से इसको भी लेके चलते हैं। इसको भी थोड़ा सा इसका पेंट, इसका थोड़ा सा नहीं, इसका तो बहुत ज़्यादा पेंट ख़राब था, 96% डैमेज यही वाली थी ना भाई, ऐसी गाड़ी बना के देते ना ये लोग पता तक नहीं चलता है भाई कि गाड़ी कितनी डैमेज थी क्या थी। चलो ठीक है, इसको पार्ट फुल कर देते हैं, पॉलिश इसको फुल कर देते हैं, और उसके बाद इसको लाल कलर की फरारी बना देते हैं। देखो ये देखो, कोई बोल सकता है ये गाड़ी 96% डैमेज थी, ये गाड़ी भाई 96% डैमेज, देख रहे हो तुम लोग, ऐसी लग रही है अभी शोरूम से निकाली हुई किसी ने, अभी बिल्कुल। यार मेरे को GTR उस साइड खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को आज बहुत गाड़ियां बेचनी पड़ेंगी अगर मेरे को $7 million जमा करने हैं। मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं ना GTR को उस साइड लगाता हूँ, रुको भाई, GTR क्या फास्ट कार्स है भाई, इनको निकालो जस्ट और थ्रॉटल दबाओ ना, कोई लैग ही नहीं होता भाई, सारी गाड़ियों में जेन्युइनली मजाक से हट के थोड़ा सा इनपुट लैग फील होता है कि मतलब अभी दबा रहे हो थोड़ी देर बाद निकल रही है, भाई ये गाड़ी लिटरली ऐसे दबाओ चल देगी आगे, तो अलग ही गाड़ियाँ हैं भाई, अलग ही, और सीधे भागने को तैयार, उड़ने को तैयार भाई, आई डोंट नो हाउ भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। इसलिए भी हो सकता है कि आई लव GTRs टू मच, यू नो, थोड़ा प्यार भी तो ज़्यादा करता हूँ ना, क्या करूँ यार। चलो ठीक है, इसको लगा देते हैं, इससे पहले कि अंकल आए अंदर साफ करने के लिए, मुझे साफ करनी है, मेरे को चार XP पॉइंट चाहिए। यस हो रहा है, अरे मिल गए, ले बेटे आगे मजे। चलो सबसे पहले हम लोगों को अपनी सारी पुरानी फोटो डिलीट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोटोज हैं, ठीक है, हम लोग को सारी की सारी क्लीन करनी है, तभी जाके हम लोग और नहीं खींच पाएंगे, कन्फ्यूजन भी हो जाता है यार बहुत ज़्यादा। ठीक है, बैक करते हैं, कैमरा खोलते हैं, सबसे पहले ये पिंक वाली की और उसके बाद ये रेड वाली की, ठीक है, क्या कूल लग रही है दोनों फरारी मजाक से हट के भाई, एकदम ही नेक्स्ट लेवल। पिंक वाली पे पिंक, ग्रेट कार एज यू नो, ठीक है भाई, अगर खाली फरारी बेचनी पड़ी ना, और नहीं 546 की जा रही है, ओके 3.5 लाख में आई गेस खरीदते थे हम, 546 की जा रही है तो फिर तो मज़ा आ जाएगा अगर इतने में बिक गई तो। इसको करते हैं ग्रेट कार दोबारा से, वही 546,000, और अभी ये क्या करती है मैंने 546,000, ठीक है, और इसमें लगा देंगे रेड वाली, पुट इट ऑन सेल, ठीक है, दोनों को लगा दिया हमने सेल पे, खोला हुआ अपना वामू शोरूम, बंदे आने स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, देखो हम लोगों को वही करना है, इस कंटेनर में जाएंगे, जाके हम लोग ऑक्शन करेंगे, ट्राई कि हम लोग सोएं और अगले दिन हम लोगों को ऑक्शन मिले, अगर ऑक्शन नहीं मिलता है, अगर कार मार्केट खुल जाती है तो हम लोग कार खरीद के लेके आएंगे, ताकि हम लोग अपने जल्दी से जल्दी 7 million कर पाए। हम लोगों ने देखो $4.5 lakh खर्च करें तो हम लोगों का एटलीस्ट, नहीं वैसे 4.5 lakh हो सकता है हम लोग एक ही गाड़ी से निकाल दे, सही बताओ तो, ठीक है, जैसा चल रहा है सब कुछ। एक बार देखते हैं हम लोगों का बिल्स कितने आए हुए हैं, देखो कार्स के 21,000 बिल आया हुआ, क्योंकि मैंने बेची है ना गाड़ियाँ, जितनी ज़्यादा तुम गाड़ियाँ बेचते हो बेसिकली तुम उतना ही ज़्यादा वो देते हो, उस पर टैक्स भी देते हो ना, तो इसीलिए अब तुम मिलियन की गाड़ियाँ बेच रहे हो तो भाई की सरकार तुमसे 21,000 का टैक्स तो लेगी। देखो कार मार्केट ओपन है, चुपचाप इज्जत से सीधे जाएंगे हम लोग कार मार्केट, एज यू नो, ठीक है, ऑफिस जाने वाला था मैं, आई थिंक हमारे उसमें वो कस्टमर आया हुआ ना, नहीं ऑफिस इज रियली डर्टी, ओके भाई ठीक है, ये सुनाने के लिए बुला रहा था तू, मर्सिडीज कूप नहीं सॉरी BMW कूप है, बट आई डोंट थिंक सो उतना अच्छा पैसा बना के देगी, दो BMW नहीं, ये तो M3 मतलब कूप दो भाई, कूप कभी कभार मिलती, ओ यस ये है गाड़ी, इसको बोलते हैं भाई मनी मेकर, Audi R8 भाई कसम से, ये गाड़ी अबे ये कितने की बेच रहे हो, तो पागल वागल है क्या भाई, डैमेज नहीं है तो क्या तेरा दिमाग डैमेज हो गया था क्या गाड़ी की जगह भाई, लेजिट भाई, एक बार उसके पैसे तो देखो, देख सुन 5,80,000 रुपये दूंगा भाई, पकड़ ले चुपचाप और ले जा पैसे, ओके ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई भाई। चलो इसको लगा देते हैं, एक काम करते हैं, सुनो Audi R8 से जाते हैं एक बार, Audi R8 से मैं कभी भी रेस नहीं करने वाला, तो वो तुम्हें पता है क्यों भाई, अपोनेंट को नॉस मिलती है Audi R8 में, लेकिन ये Audi R8 इतनी महंगी खरीदने के बाद भी, अगर मैं अभी जाऊँगा ना इसको अपग्रेड करने, इसमें तुम्हें नॉस नहीं मिलेगी, मैं मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची, रुको मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, तुम लोगों को लगेगा नहीं नहीं फ्लीट भाई, तुम कुछ भी बोल रहे भाई, तुम Audi R8 में तुम अपने उससे नॉस ही लगा सकते और अगला बंदा लगा सकता है सामने वाला, तो जब वो नॉस दबाते तो ये देखो कार के टर्न अवेलेबल नॉस बस, ठीक है, और मेरे को इसको अपग्रेड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे मैंने तुम्हें बता दिया
मैंने उसी दिन बोल दिया भाई मैं ऑडी R8 से कभी रेस नहीं करूँगा भाई। लिटरली इन लोगों ने ये जो नॉस वाला करा ना वो बहुत ख़राब है भाई। सोचो ना सामने वाला बंदा नॉस दबा के निकल जा रहा है तुम्हारे बगल से और तुम भाई अच्छे गियर मार रहे हो सब कुछ कर रहे हो लेकिन यार भी नॉस तो नॉस है ना यार। नॉस के साथ तुम सही गियर मारोगे तो कितना आगे जाओगे सोचो। गाइज नो टाइम टू वेस्ट, नो टाइम, ये बहुत लकी मोमेंट है, ये बहुत लकी मोमेंट है, नो टाइम टू वेस्ट गाइज, नो टाइम टू वेस्ट, जल्दी भगा जल्दी, अरे जल्दी चल यार, बैलगाड़ी है भाई ये, नॉस नहीं है ना इसमें यार भाई, कैसे भगाऊं मैं इसको। यही तो कर रहा हूँ मैं, ड्रिफ्ट ही तो मार रहा हूँ अभी है ना, अभी मेरे पास बहुत टाइम है ड्रिफ्ट मारने के लिए तो लेके आऊँ मैं। अरे भाई साहब यहाँ तो भीड़ जम गई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। अरे भाई मेरे सेल्समैन ने कहीं छेड़ तो नहीं दिया लड़की उड़की कोई, इतनी भीड़ क्यों है भाई मार खाने के लिए क्या। भाई सुनो तुम लोग ये दोनों गाड़ियाँ भी खरीदोगे ना तब भी उतने पैसे नहीं होंगे अगर वो कार में गलती से भी जीत जाता होगा इस, ठीक है। मैं निकाल लो अपनी फरारी, आई होप एंड आई गेस जहाँ तक मुझे याद है ये फरारी मेरी मैक्स्ड आउट है, वहाँ पर एक फरारी XX के IVA रेस के लिए, अगर गलती से भी हम लोग वो रेस हार जाते तो हमें 3.5 मिलियन का लॉस होगा, बट अगर हम लोग वो रेस जीत जाते तो हम लोगों को सीधा 3.5 मिलियन का प्रॉफिट होगा। तुम समझ रहे हो जितना हम लोगों को पैसे करने थे वो एक बार में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बैठ बैठ, कमॉन कमॉन रो, कमॉन कमॉन, बैट इस कार कर दे, यस बैट इस कार, ओके लेट्स गो गाइस लेट्स गो, प्लीज 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 गाइस, सभी लोग देखो तुम्हें पता है, तुम्हें पता है लक्की होता है, प्लीज लाइक वाला बटन दबाओ अभी का अभी 100 के करो भाई प्लीज, भाई भगवान प्लीज, मैं गलती से भी गियर शिफ्ट ना करूं, शिफ्ट ना दबाऊं, मतलब शिफ्ट दबाऊं बट सही टाइम पे, और नॉस के लिए शिफ्ट नहीं होता ऑल्ट होता है, नॉस के लिए शिफ्ट नहीं होता ऑल्ट होता है, नॉस के लिए शिफ्ट नहीं होता ऑल्ट होता है, ठीक है लेट्स गो भाई, मैं बहुत बड़ी गलती करता हूँ यही भाई, लेट्स गो शिफ्ट से, ओ ए ए इजी इजी इजी, बेटे बेटे कल आना कल, लेट्स गो बॉयज, मैं वामू वामू चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं वामू वामू चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं वामू वामू चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। हाँ भाई कौन था भाई, हैं पूरे 1 सेकंड और 2 मिलीसेकंड से हरा दिया भाई हम लोगों ने ग्लेनिस भाई को। ग्लेनिस भाई कल मिलना, ठीक है, जबकि हमारी स्पीड 163 गई थी, उनकी 177 गई है, आई डोंट नो हाउ भाई, उसने कुछ तो जादू किया होगा, बट हम लोगों ने भाई जो भगाई है ना गाड़ी स्टार्टिंग में, जो हम लोगों ने एक बार रेस पकड़ ली थी भाई, दैट वाज इट भाई, उसके बाद हम लोगों ने जो वो इतना बड़ा गैप बना दिया था ना उसके बीच में, बस भाई ख़त्म वहीं पर, भाई ने वहीं पर अपनी फरारी की चाबी मेरे हाथ में कर देनी चाहिए थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, डैमेज है थोड़ी सी गाड़ी, पेंट है डर्टी भी है, ठीक है कोई बात नहीं यार, भाई भाई $3.5 मिलियन की गाड़ी हम लोगों ने लिटरली पिंक स्लिप में जीत ली, पिंक स्लिप में $3.5 मिलियन की गाड़ी है वो, हम लोग अगर उसको बेचने जाएंगे ना हम लोगों को लिटरली पिंक स्लिप में उसमें 3.5 मिलियन मिलेगा, बट यार पता नहीं यार रेयर गाड़ियाँ जब आती है ना यार मेरा थोड़ा सा दिल नहीं मानता उनको बेचने का, मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, थोड़ी ऐसी ये भाई फरारी जैसी रेयर गाड़ियाँ आती ना ये देखो तो सही तुम्हें एक बार, ये गाड़ी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें दोबारा मिलेगी भाई, ये क्या किस्मत चल रही है यार मेरी भाई को, पिछले वाले में भी हम लोगों को क्या धड़ाधड़ GTR मिली थी और अब देख लो भाई इस वाले में लिटरली पहली रेस के लिए गया वहाँ पे सीधे क्या दिखती है मेरे को फरारी XX के भाई, व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, मैं मजाक भी नहीं करूँगा भाई, जरा इसको लगा दूँ मैं अपने दोबारा से लगा देते हैं हम लोग अपने कलेक्शन में आराम से इज्जत से, और जगह ही नहीं है हमारे पास जाने की तो यस सर, देख रहे हो कैसे जाना पड़ रहा है गाड़ी में बैठ के आगे को पीछे को होके भाई वो रही अपना फरारी XX की, मेरा यार बहुत ज़्यादा सही बताऊंगा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मेरा दिमाग, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसको बेचने का, बिल्कुल 2 रुपए का भी मन नहीं कर रहा है मेरे को इसको बेचने का यार, पता नहीं क्यों यार, यार वो होता है ना यार ऐसे सुपर कार है प्रॉपर और इतनी ज़्यादा हाइपर रेयर कार है जो नहीं आती नॉर्मली, तुम सोचो ना हम लोग को स्टार्टिंग में मिली 2, मैं मानता हूँ ठीक है मना नहीं कर रहा हूँ, हम लोग को स्टार्टिंग में मिली 2, उसके बाद हम लोगों ने जब 300 दिन तक लगातार भाई हम लोगों ने 300 दिन लगातार जब हम लोगों ने GTR के लिए ढूंढा में एक भी नहीं मिली, तुम समझ रहे हो तो ये कितनी ज़्यादा रेयर है, हम लोग को GTR मिल गई बट ये नहीं दिखी एक भी,
मेरा मन तो कर रहा है भाई इसको रख लेते हैं भैया। पता नहीं यार, रुको इसको शोरूम में जाके ही मैं बता पाऊंगा तुम लोगों को कि हम लोग इसको रखने वाले हैं क्या करने वाले हैं भाई। अभी के लिए तो इसको एक बढ़िया सा कलर दे देते हैं अपनी दो, क्या है ग्रीन है और रेड है ना, इसको थोड़ा सा ब्लूइश कलर देते हैं ठीक है। मैं तो बोलता सियान कलर टाइप देते हैं इसको कुछ। हाँ ये अच्छा लगेगा, एक बार देखते हैं बाहर ले जाके। रेडी गाइस, शीश कितनी बढ़िया लग रही है भाई, मजा आ गया भाई मजा। अबे वो बंदा तो वहां नाइट्रो मार रहा था और यहाँ पर गाड़ी से नाइट्रो निकाल के दे रहा है मुझे, देख रहे हो भाई साहब। चोर कहीं के लोग भाई चोर, इतने गंदे व्हील कौन लगाता है अपनी फरारी में भाई। प्लेट में तुम्हें पता है भाई, हेलो फ्लीट भाई की गाड़ी है, वामू लिखा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। सस्पेंशन हल्के से उठा रहा हूँ मैं ठीक है, क्योंकि कभी कभार मैं गलती से ऑफ रोड डाल ही देता हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत झेल ले गाड़ी, ऐसा ना हो पूरा फेंडर निकल के हाथ में आ रहा है ठीक है। चलो फरारी के बगल में फरारी लगा रहे, लेट्स गो बॉयज। हाँ जी निकल रहा हूँ बाहर, बस भाई निकल रहा हूँ भाई। ये देखो फरारी XX के अपनी सियान कलर में, ग्रीन कलर में और अपनी रेड कलर में। ओ भाई साहब मजाक से हटके भाई, ये क्या क्रेजी हो रहा है भाई। अगर तुम देखोगे भाई क्या किस्मत है ये, मुझे बताओ ना तुम लोग थोड़ा सा भाई, ये क्या किस्मत है भाई। लिटरली हम लोगों को पिछले वाले में ऐसी करके भाई रेस में जीतने को मिली थी अपनी ये GTR, हम लोग जीत गए। 3 GTR अपने पास हो, अगर अपने पास ये 4 हो गई ना आज भाई मैं पागल हो जाऊंगा, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। इसको ओपन रखते हैं, देखो मैं अभी के लिए नहीं भेज रहा हूँ ठीक है। अगर मेरे को फील होगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ 7 मिलियन, या फिर ऐसा होगा कि हम लोगों को डॉज वाइपर दिख जाएगी ठीक है उसमें ऑक्शन में, मैं सीधे यहाँ पर दौड़ के आके इसको सेल पे लगा दूंगा, फिर मैं इसको हाफ प्राइस पे 1 मिलियन में ही बिक जाएगी मैं निकाल दूंगा। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ तुम्हें। इवन तो मुझे पता है 2 मिलियन की तो वो हम लोग खाली ऑक्शन से खरीदते हैं, बट अगर वो 1 मिलियन की भी निकलेगी ना मैं निकाल दूंगा कसम से भाई ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं नहीं बेच रहा हूँ इसको ठीक है यार। वो होता है यार, वो थोड़ा सा ऐसा होता नहीं कि तुम्हें लगता है अरे निकाल दूंगा, और फिर जब वो हाथ पर आती चीज़ फिर इतनी खूबसूरत लगती है कि तुम्हें मन करता है कि नहीं यार इतनी प्यारी चीज़ को मैं जाने तो नहीं दे सकता ना, तो थोड़ा सा मेरे को वो फील हो रहा है यार कि मतलब ऐसा ना यार ये निकल गई तो बहुत दुख होगा मुझे। अबे और ये फरारी, अच्छा ये 2 नई फरारी आई है ना रेड, और एक मिनट रुक जाओ और कौन सी फरारी आई है अभी। अच्छा मैंने ये रेड वाली बाहर निकाल के अंदर डाली तो ये नीचे आ गई। ओके ओके ठीक है मैं समझ गया, ये दोनों फरारी तो अपनी मेन है, ये 3 फरारी है और एक 2 फरारी और एक ऑडी R8 मैंने सेल पे लगा रखी। ओके मैडम भी आ गई यहाँ पे सेल पे लेने के लिए गाड़ी को, हैं कितने में 5.5 लाख की गाड़ी। अरे बढ़िया प्राइस लगा रही भाई ये तो। अरे भैया से भी एक बार पूछ लेते, क्या पता ये 4.5 लाख बोलते सीधे, है ना। मुझे लग तो रहा है यार ये भैया को गाड़ी की बहुत नॉलेज है, तो ये 424 और ये वो 424 दे रहा है, ये कितना दे रही है मैडम 4। ओके बाय बाय, जो ज़्यादा पैसे दे रहा है सीधे उसके पास जाओ भाई, सिंपल सी बात है। 424 ये बोल रहे हैं, हम लोग इनको बोलते हैं 5 लाख में ले लो। कम ऑन यार ब्रो, मुझे पता है स्ट्रेच कर सकता है, कम ऑन ब्रो यू कैन डू दिस। नहीं ओके एक मिनट, कोई और भी आएगा देखने के लिए, नहीं ना 5 लाख में तो ये नहीं माना, 5-10 कर देता हूँ इसके लिए एक बार, लेट्स सी 5-10 में मान जाएगा। एक मिनट 5-10 में कैसे मानेगा भाई, 5 में नहीं माना तो क्या खरीद रहा है बेच रहा है भाई। 4.80 पे डन, हाथ मिलाइए आप, हाथ मिलाइए, नहीं पीछे क्यों जा रहे हो। हाँ गुड, अरे ये सब चले गए, अबे ये सारे इस गाड़ी के लाए थे भाई, इसके पास क्यों खड़े थे फिर, क्या बंदे हैं भाई। और भाई तुम यार इसके बोनेट में घुस के क्यों साफ कर रहे हो भैया, क्या चल रहा है यहाँ। दीदी आई भैया ऑडी R8 लेने के लिए, $9,10,000 की मैंने लगा रखी है, मैडम को चाहिए 7 लाख में ठीक है। देखो तुम्हें पता है मैं 8 लाख लास्ट में ये गाड़ी निकाल ही देता हूँ ज़्यादातर, तो मैं मैडम को सीधा 8 लाख वाला प्राइस दूंगा, मैडम मना करेंगी, मैडम से बोलूँगा सुनो मैडम इधर आओ, ये है रास्ता, इज्जत से चले जाओ वरना मैं मार मार के भगाता हूँ ठीक है ना। हेलो हेलो, जो भी हमारी महिला कर्मचारी, जरा मैडम को निकालो, मैडम आप चुपचाप निकल जाओ, देखो लड़ाई हो जाएगी मैं बता रहा हूँ अभी भी ठीक है, चुपचाप चले जाओ आप, बहुत हो गया ना, नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा, 9 लाख की गाड़ी है वो, तुम्हें 6-6.5 लाख में चाहिए, आप जाओ निकलो निकलो, मैं इससे पहले सिक्योरिटी बुलाऊँ। हाँ चलती रहो, रुकना मत मैडम, मैडम रुकना मत, चलती रहो चुपचाप। हाँ मुझे पता है तुम लोग भाई सस्ते में लेके यहाँ से फिर अपने घर के पीछे बैकयार्ड सेल में बेचोगी क्यों ऑडी R8 को, मुझे सिखा रही हो तुम यहाँ।
बट तुम नहीं जानते इन लोगों को बहुत भाई, ऐसा लगता है हल्के में लेने वाले लोग नहीं है। अब मैं इससे बात कैसे करूँ भाई, ये तो गाड़ी गाड़ी आ रही है, व्हाट द हेक। अरे मैं इससे बात कैसे करूँ, इस आदमी से तो आ ही नहीं रहा है टॉक का पर्सन। और तू भाई इस वाली के बोनेट में ये पैसे देगा, तू इस बोनेट में घुसे के। क्या बंदे हैं भाई, आई होप हो जाए इतने में बात। हाँ हो रही है, बढ़िया। प्लीज़ ब्रो प्लीज़, देख मेरा मूड ख़राब है, वो आंटी बहुत बदतमीजी करके गई है मेरे साथ। 7.5 लाख, चल इसने एटलीस्ट अच्छा प्राइस लगाया, 8 लाख में ले लेगा। मतलब एक बार ये अंकल से भी बात कर लेते, क्या पता यार ये अंकल जी कर दे थोड़ा काम, प्लीज़ यार कम ऑन। 6.5 लाख चुपचाप निकल लो, जैसे वो आंटी को भेजा था वैसे आपको ही भेज दूंगा, वरना बदतमीजी से। चलो भाई तुम देखो, तुम लग रहे हो मुझे काम के बंदे, ठीक है। वैसे मैं 8 लाख लास्ट निकाल देता हूँ अपनी गाड़ी को, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इसको 8,40,000 कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं 8 लाख में निकाल देता हूँ, बट सिर्फ तुम्हारे लिए, और मुझे पता था तुम ले लोगे। देख रहे हो गाइस, याद रखना भाई, जैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास हीरा और तुम्हें लगे कि ये तो पत्थर है, तो ऐसे नहीं कि उसको फेंक दिया, नहीं भाई हीरा है वो, रखो संभाल के, एक समय आएगा सही बंदे को बेचोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। चलो 4,70,000, ठीक है 4,70,000, लेट्स सी हो रहा है, हो रहा है। नाइस, थैंक यू, बढ़िया भाई। अपनी अपनी सारी की सारी गाड़ी बिक गई और अपने पास ऑलमोस्ट पैसे भी हो गए, तो आई थिंक सो हम लोग कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है ना। अपने को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स गो, फटाफट से जाते सीधे कंटेनर पे अपने इज्जत से, और चुपचाप कंटेनर के अंदर जाके सो जाते हैं, और कल को देखते हैं अगर ऑक्शन खुलता है तो। देखो हम लोगों को या तो ऑक्शन या तो फिर कार मार्केट रुकना है, कैसे भी हम लोग को 7 मिलियन करें, 5.5 हम लोग कर चुके हैं भाई, 1.5 मिलियन कमाए हमने आज और ऑलमोस्ट। जी जी यार, ऑक्शन खुल रहा है 3 बजे भाई, सोचो अगर ये ऑक्शन में हम गए और हम लोगों को वहाँ पे डॉज वाइपर दिख गई भाई, मैं तो पागल हो जाऊँगा, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। लेट्स गो गाइस, कम ऑन प्लीज़ यार, प्लीज़ डॉज वाइपर दिख जा, प्लीज़ यार, प्लीज़ भाई। मैं बहुत दिनों से रुका हुआ हूँ यार, GTR की GTR आ गई, अभी तक का डॉज वाइपर नहीं मिली है भाई। भाई द मोस्ट रेयरेस्ट कार इन द गेम, डॉज वाइपर। मैंने जस्ट बोला भाई अभी तक का नहीं मिली और मिल गई। भाई मेरे को पता है तुम लोगों ने कसम से लाइक वाला गोल कंप्लीट करा दिया भाई, मुझे लग रहा है तुम लोगों ने भाई सबने लाइक मारे भाई। मैं बता रहा हूँ तुम लोग बहुत ज़्यादा लकी हो भाई, तुम लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। ये नहीं होना था यार इतनी जल्दी भाई, मैं पिछले 350, ये देख लो यार, ये देख लो, तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा होगा, लास्ट वाली वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने कितने डेज दिखाए थे। इस वाली में लिटरली 353 हो रहा है, मैं ये तीसरा या चौथा ऑप्शन देख रहा हूँ दिन का, सिर्फ 350-350 ऑक्शन देखे थे मैंने पहली GTR के लिए, पहली GTR के लिए। फिर मेरे को मिल गई एकदम से 3 GTR जब तुम लोगों ने लाइक वाले बटन पे स्पैम करा भाई, बिल्कुल एकदम 1 लाख लाइक करा दिए जल्दी जल्दी। और अभी तुम लोगों ने दोबारा से भाई लाइक वाला बटन दबा दिया, तो ये देख लो भाई एक बार क्या किस्मत है। ये मैंने ऐसे ही बोला भाई कि सब लोग लक्की हो, प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाओ, और लिटरली ब्रो बोलने से मेरे को GTR, मतलब GTR बोल रहा हूँ भाई, मेरे को डॉज वाइपर मिल गई। देखो तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है भाई रिचुअल क्या बोलता है, चुपचाप इससे टिकट लो, ये गाड़ी को मैं भेज रहा हूँ सीधे घर, रुक जाओ एक मिनट, धो के भेज देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैं पावर वॉशर से धोता हूँ ना यार, इतना स्लो क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है फटाफट से धोता हूँ इसको। अरे अरे ये क्या हुआ, ठीक है इसको पूरा, बस गाड़ी धुल गई, सीधे आप जाओ टोइंग ट्रक में वहाँ। अब भाई जब तक का ये ऑक्शन शुरू नहीं हो रहा, तुम्हारा भाई यहीं बैठा है, ये डॉज वाइपर हम लोग लेके जा रहे हैं भाई, जब तक ऑक्शन शुरू नहीं होता तब तक तुम्हारा भाई यहीं पे बैठा है। आज मैं सब कुछ चेक करूंगा, ये डॉज वाइपर क्या हमारी GTR से फास्ट है, क्या ये डॉज वाइपर कौन से कलर में अच्छी लगेगी, तुम लोग कमेंट सेक्शन में अभी से बोलना शुरू कर दो, क्योंकि अगर 10 मिलियन भी लग गए ना तो भी तुम्हारा भाई इसको खरीद कैसे खरीदूंगा, लेकिन 10 मिलियन लग गए तो मेरे पास 5.5 मिलियन ही है, टाइम है ना अपने पास यार, फरारी निकाल दूं क्या फिर, यार मेरा मन नहीं कर रहा, मैं दिल नहीं बोल रहा यार वो फरारी निकालने के लिए, पता नहीं क्यों यार अंदर से नहीं आवाज़ आ रही यार वो फरारी निकालने की, पता नहीं उसको यार वामू नंबर प्लेट भी दे दी यार, अब वामू नंबर प्लेट देने के बाद थोड़ा बेच सकता हूँ मैं यार, अब ये अपनी गाड़ी हो गई, अपनी फैमिली का पार्ट हो गया यार भाई। लेकिन ये कितने की बिकेगी बताऊँ तुम्हें, अगर मैं इसको बेचना चाहूँ तो, देखो ये वाली फरारी है ना सियान कलर की,
3.5 मिलियन हाई प्राइस है इसका, तो इसका मतलब ये 3 मिलियन लास्ट बिक जाएगी। अपने पास 5 मिलियन है, 8 मिलियन हो जाएंगे सीधे, और 3.5 में बिकी तो सीधा 9 मिलियन। भाई बहुत बड़ा रिस्क है, अगर बाय चांस गलती से भी वो डॉज वाइपर 5 मिलियन से ऊपर चले गए ना, मैं पैदल हो जाऊंगा, मैं खरीद भी नहीं पाऊंगा उसको। ये बहुत बड़ा रिस्क है भाई, क्या मैं ये रिस्क लेना चाहूंगा यार। लेकिन वो फैमिली का पार्ट बन गई है भाई, अब अपनी कार फैमिली में है ये गाड़ी। यार मैंने इसको वामू नंबर प्लेट दे दी यार, क्या करूं गाइस, कमेंट में बताओ यार क्या करूं, बेचूं या नहीं बेचूं, गैम्बल करूं या फिर नहीं करूं गैम्बल। यार तुम लोग बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, मेरे को अभी बहुत ज़्यादा नीड है यार, लेकिन मैं कमेंट कैसे पढ़ूंगा, वीडियो तो बाद में जाएगी, पर दिमाग नहीं चलता ना यार ऐसे टाइम पे। यार हम लोगों का कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा जैसी वो गाड़ी आ जाएगी। अपने पास कितना टाइम है, अपने पास 3 घंटे है बस, 3 घंटे मतलब 3 मिनट भाई, एक तरह से तुम समझ रहे हो ना, गेम के अंदर 3 घंटे मतलब कि रियल लाइफ में 3 मिनट है अपने पास सिर्फ और सिर्फ। या तो भी बेचो और या तो फिर मत बेचो, और अगर गलती से भी ये गाड़ी 5 मिलियन के ऊपर जाती है तो मैं पैदल जाऊंगा, तुम्हें ये पता है मुझे ही पता है। क्या करूं क्या करूं भाई। भाई देखो अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक तरह से 2.5 मिनट है सोचने के लिए। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं जाके बेच दूं भाई, मैं बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बट यार फिर वही चीज़ है यार, फिर वामू नंबर प्लेट का मतलब ही क्या रह गया अगर मैं गाड़ी लेके बेच दूं भाई। तुम बताओ ना मेरे को, उसमें वामू नंबर प्लेट लगाने का मतलब ही क्या रह गया, क्या इज्जत रहेगी उस नंबर प्लेट की। यार मैं गैम्बल कर रहा हूँ भाई, हो गया गाइस, मैं गैम्बल कर रहा हूँ भाई। अब नहीं आई तो नहीं आई, कोई बात नहीं, मेरे को 300-400 दिन यहाँ बैठ के 6-7 घंटे बैठ के करना पड़ गया ना वाइपर के लिए, मैं कर दूंगा भाई, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा अपनी ना, मैं नहीं निकाल रहा फरारी भाई, वो फरारी चाहे मेरे पास 3 है वो फरारी, लेकिन मैं वो नहीं निकाल रहा भाई। यार उसमें वामू नंबर प्लेट लगी है, वो हमारी फैमिली का पार्ट है भाई। नहीं यार भाई नहीं 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 भाई, वो अपनी फ्लीट आर्मी का पार्ट है और फ्लीट आर्मी हमेशा पहले भाई। मैंने निकाल रहा, मैंने निकाल रहा हूँ, जो हो जाए भाई, अब कोई बात नहीं, मिलेगी एटलीस्ट पता चल जाएगा कितने की आती है GTI मतलब वाइपर, उसके बाद वाइपर के हिसाब से पैसे जमा करके दोबारा से करेंगे भाई। 6-7 घंटे लगे, कोई बात नहीं, रात भर नहीं सोएंगे, बट करेंगे भाई, कुछ तो करेंगे। मेरे को नहीं पता कैसे होगा क्या होगा, बट हो गया भाई। मेरे को लेजिट पता ऐसा हो रहा है कि मेरे को, मैं रिग्रेट करूँगा, मेरे को एक फील आ रही है अंदर से, पता नहीं क्यों। मैं ये जो मैं डिसीजन ले लिया है ना मैंने कि भाई नहीं नहीं मैं देख लूँगा जो भी होगा जैसे भी होगा, मेरे को लग रहा है कि मैं रिग्रेट करूँगा ये डिसीजन भाई। और मेरे को जनरली अभी से ही डर लग रहा है भाई, मेरे को फील आ रहा है कि मैं गलती कर रहा हूँ, बट अब कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ भाई, एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना भाई यार, कि हाँ ये चीज़ हम नहीं कर सकते भाई, तो हम लोग नहीं कर सकते भाई। नहीं अगर मैंने वो गाड़ी को फ्लीट आर्मी बोल दिया एक बार, तो अब वो अपनी है भाई, अब वो अपनी फैमिली का पार्ट है, मैं निकाल सकता भाई जो हो जाए अब। चौथ एक तो भाई इन लोगों ने सस्पेंस एक मिनट मैंने से ले लिया ना, मैं पता लगा बातें करते रह गए, और 3 बजे का ऑक्शन निकल जाएगा गाइस, खाली 30 सेकंड बचे हुए, इनको बैठ जाते भाई। भाई एक तो इन लोगों ने सस्पेंस बनाने के लिए चौथे नंबर पे वो रख रखी है, क्या कहते हैं डॉज वाइपर। ये गाड़ी आते ही हमारा कलेक्शन एक तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तुम समझ रहे हो। अपने पास कितनी गाड़ियाँ हो जाएंगी, 9, 10, 11, हमारा जो फुल कलेक्शन होगा उसमें 11 गाड़ियाँ, फिर अपने पास 2 फरारी एक्स्ट्रा हैं, 1 Mazda RX-7 एक्स्ट्रा और 2 GTR एक्स्ट्रा हैं, उसके बाद 5, 11, 5, 16, अपने पास 16 गाड़ियाँ होंगी, 16 गाड़ियाँ भाई। भाई पैसे बढ़ाओ इनके, रुक जाओ, इनका 33 करवाऊंगा मैं, देखो ये देखो इनकी बिडिंग कैसे बढ़वाता हूँ, तुम देखो भाई, तुम हल्के में ले रहे हो ना मुझे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें बिडिंग कैसे बढ़वाते, चलो भाई चलो। अबे कोई नहीं ले पा रहा चिच्ची, गरीब लोग भाई देखो, अरे भाई 34,000 की ले पा रहे चिच्ची, देखो देखो चिच्ची, देखो अभी देखो जो आधा घंटा चलता वो जल्दी, कितनी देर में मैं बढ़ाऊँ, लग तो रहा है बहुत लंबा खींचेंगे भाई। भाई अगर मेरे बात किसी ने, हाँ गुड गुड गुड, अगर मेरे बात किसी ने नहीं लगाया होता ना भाई, मैं रो देता भाई। चलो बढ़िया बढ़िया, किसी ने खरीद ली, नियांस चले गया, ठीक है नियांस भाई को मिल गई गाड़ी, बढ़िया बढ़िया। अब ये क्या है भाई, राडा रा स्टेश वैगन, अच्छा स्टेशन वैगन, समझ गया। चलो भाई बढ़ाओ बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ इनके, पैसे बढ़ाओ, हाँ ये ले लो, दो बार बढ़ा सकता है कि 3 बार बढ़ा सकते हैं, 3 बारी के बाद ये लोग खरीद लेंगे, खरीद लो कोई, नाइस बढ़िया बढ़िया, ठीक है मेरे को नहीं लेनी भाई, तुम कर लो अब आपस में, बढ़िया है बढ़िया, ले लो $10,000 जाओ यार तुम आराम से जाओ, बट जो तुम एक एक करके बढ़ाते वो एटलीस्ट मैंने 5 बारी 2-2 बारी करके बढ़ा दिया। चलो ठीक है, ये तो NG5 आ गई शायद,
नहीं उंडे फंडे है तो जी यार चलो 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 भाई बढ़ाओ इनके पैसे भाई बढ़ाओ 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 25,000 तक की लेते हैं ये लोग मेरे ख्याल से, इसको 3 बार ही तो बढ़ा सकते हैं हम लोग। कोई नहीं ले रहा क्या भाई, डराओ मत। ठीक है 25,000 बढ़ा दिया हमने, अभी अपने आप करते रहे इसमें, करते रहो भाई करो करो। मेरे को बस वो लास्ट गाड़ी जो चौथे गेट के पीछे है ना, मेरे को उस गाड़ी से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ मुझे वो चौथे गेट के पीछे वाली गाड़ी से मतलब है। मेरे को देखना है भाई डॉज वाइपर कितने की आती है, क्या मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है या फिर आज हम लोगों को हमारी फाइनल कार मिल जाएगी जो हम लोगों का कलेक्शन कंप्लीट कर देगी। लेट्स गो डॉज वाइपर भाई साहब 7 लाख से शुरू हो रही है। एक मिनट, 7 लाख से शुरू हुई तो 5 मिलियन थोड़ा चल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन चली जाएगी। मिल रही है भाई, आ रही है। अब आराम आराम से लगाएंगे, अब 14,000 डॉलर बढ़ाएंगे, अब आराम से ठीक है। अबे कौन है भाई, ओए कौन है गाड़ी लेगा मेरे से भाई, मैं कितने देर टाइम से खड़ा हूँ पता है तुम्हें। लेट्स गो बॉयज, हम लोगों को 1 मिलियन के अंदर मिल गई डॉज वाइपर। व्हाट, ओ भाई साहब क्या लग रही है भाई। भाई स्पॉइलर भी साफ कर दूं क्या सर आपका? ओ भाई साहब लेट्स गो बॉयज, इतना कर कुर के भाई फाइनली हम लोगों को मिल गई। कोई डैमेज नहीं, कोई डर्टी नहीं, पेंट थोड़ा सा मतलब सॉरी फ्यूल थोड़ा सा कम है, बट ये क्या लग रही है भाई। देखो ना आगे का इंजन भी देखो इसका कितना ज़्यादा लंबा बना रखा है, काश हम लोग इंजन भी खोल पाते, मज़ा आ जाता है यार। देख रहे हो इंजन भी कितना ज़्यादा लंबा है भाई, तुम समझ रहे हो इसका इंजन कैसा होगा। फिर एक बार इंटीरियर भी देखते हैं यार, इंटीरियर भी दिखा। देखो इंटीरियर तो थोड़ा पुराना है, कौन से ईयर की है, 2000 की है भाई, तो लगेगा ही ना फिर। अब इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं मिलेगा, देखो ऑडोमीटर पूरा का पूरा जो होता है नॉर्मल है। ये कौन सा गेज होता है यार, ये मेरे को पता नहीं है, जो राइट साइड पे लगा हुआ है अलग से, ये कुछ तो होता है यार, मैं भूल गया हूँ इसका। इसमें कुछ भी नहीं है अभी के लिए भाई, ये एकदम स्टॉक है। और ये सही बताओ तो इतनी तेज भाग भी नहीं रही है, बट ये मिलियन डॉलर की गाड़ी है तो कुछ तो होगा यार इसमें, बाकी गाड़ियों से तो अच्छी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसको लेके जाते हैं सबसे पहले हम लोग ऑटो इलेक्ट्रिक एंड ट्यूनिंग में, ठीक है भाई। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, हम लोग ये अपनी डॉज वाइपर को क्या कलर दें। रेसिंग किट लगा रहा हूँ मैं, नॉस नहीं थी, नॉस डाल रहा हूँ मैं इसमें। सस्पेंशन इसके जितने नीचे हो सकते उतने नीचे ऑलरेडी। और इसको क्या कहते हैं सर, डीमन लाइट की जगह इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, ठीक है थोड़ा सा। हाँ यही लाइट कराता हूँ, अभी बताता हूँ मेरे पास कलर में इसके पास। अरे यार यू नो वेलकम टू वाऊ फैमिली मेरे दोस्त भाई, मैंने एटलीस्ट दिमाग तो सही लगाया। और ये ऑलरेडी अच्छे लग रहे हैं वैसे व्हील है ना, रुको जरा एक मिनट बैक जाऊँ, ये व्हील ऑलरेडी अच्छे लग रहे हैं इस पर फॉर सम रीज़न। या रुको देखते हैं, अगर कोई अच्छा और इससे भी अच्छे व्हील लग सकते हैं इसके ऊपर तो देखते हैं ना। ये तो अच्छा नहीं लग रहा यार, ये हर गाड़ी में यार कम ऑन, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो बढ़िया लगेगा इसमें। मेरे ख्याल से हम लोगों को पहले पेंट करानी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये गाड़ी अच्छी लग रही है व्हील के साथ ऐसे या फिर नहीं। भाई बढ़िया क्या भाई, मेरे को बस वो इंजन भी देख के ऐसा हो जा रहा है ना भाई साहब, कितनी ज़्यादा लंबी गाड़ी है, देख रहे हो तुम आगे से भाई, कितना बड़ा इंजन है इसका कसम से ब्रो, देख के ऐसा हो जा रहा है डैम। मैं सोच रहा हूँ इसको ब्लैक रख, फुल ऑल ब्लैक, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा इसमें ले सकते हैं रेड और ब्लैक, मतलब समझ रहे हो ऐसा हल्का सा रेड और ब्लैक के आसपास में आएगा तो ऐसा लगेगा थोड़ा मिक्स हो रहा है, समझ रहे हो। अभी तो खैर अंधेरा हो गया तो दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, बट मैंने इसको एक अलग सा ही कलर का फॉन्ट दिया हुआ है। अरे लाइट खोलो यार, ये देखो भाई अब लगी ना बात, रुको जरा मैंने दोनों लाइट खोल दी क्या, हाई बीम लो बीम खोल, दोनों खोल दिए, लो बीम अच्छा ओके ओके, लो बीम में मज़ा नहीं आ रहा, हाई बीम खोलो भाई, इवन तो गलत है बट ठीक है गेम है यार, ठीक है। ये देखो भाई कितनी सही नहीं लग रही इसमें लाइट, ये अभी तो देखते हैं इसमें हम लोगों का अंधेरे में तो पता नहीं चल रहा है कुछ भी, बट लेट्स सी। मेरे को लग नहीं रहा ये यार GTR को बीट कर सकती है, बट टू बी ऑनेस्ट लाइक मतलब ठीक है फास्ट है, बट ऐसा GTR किलर नहीं लग रही मेरे को, ये फील नहीं है GTR किलर। मेरे ख्याल से GTR ही अभी भी फास्टेस्ट है। इसका स्पॉयलर देखो ना कितना बड़ा स्पॉयलर है भाई, कितना डाउन फोर्स बन रहा होगा इस स्पॉयलर से, बहुत ज़्यादा भाई। आज हम लोग कंटेनर नहीं भाई, आज हम लोग जाएंगे अपने घर पे सोने, क्योंकि आज मैं चैन की नींद सो सकता हूँ भाई। आवाज सुन रहे हो इसकी पॉप्स एंड बैंक्स की भाई साहब, यहाँ पे लगा देते इज्जत से
देयर वी गो, जाके सोते हैं भाई आराम से, और अब कल सुबह को इसके टेस्ट करेंगे, टॉप स्पीड सब कुछ देखेंगे। और सबसे पहले तो मेरे को कलर देखना है, क्या ये कलर अच्छा लग रहा है। मैंने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करा है इस बारी, सही बताऊँ तो मेरा रेड और ब्लैक के बीच में कुछ रखा हुआ है। रुको देखते हैं एक बार, इसको बंद करते हैं। देखो मेरा मन था इसको ऑल ब्लैक करने का, बट फिर थोड़ा सा ऑल ब्लैक में मेरे को मतलब वही हो रहा था कि यार ब्लैक पहले से पड़ी हुई है। देख लो मैंने इसको कैसा दिया हुआ है, ब्लैक है बट हल्का सा रेड टिंट है, ब्लैक है बट हल्का सा रेड टिंट है, बहुत हल्का है बट हल्का सा रेड टिंट है इस पर। ठीक है एक बार इसको ले जाते हैं, मैं तो बोलता हूँ सीधे फॉरेस्ट या फिर डेजर्ट ले जाते हैं इसको, और चेक करते हैं कि इसकी टॉप स्पीड क्या है भाई। मेरे को जनरली चेक करिए, देखो हम लोगों को पता है कि हमारी GTR की टॉप स्पीड 351 है, जो कि आई थिंक नहीं फास्टेस्ट तो नहीं है, क्योंकि ऑडी R8 एक बार 353 करी है और वो और तेज जा सकती थी, बट ऑडी R8 जा नहीं पाई फॉर सम सैड रीजन, क्योंकि रास्ता छोटा हो जा रहा था। ओके कोई भी गाड़ी नहीं, मेरे को जनरली लगा भाई क्या पता अपनी GTR जैसी किस्मत चल जाए एक बारी को, यू नेवर नो यार। ओह गाइस एम्प्टी हो रहा है यार ट्रंक, थोड़ा सा फ्यूल डला लेते हैं भाई अपना। V8 जो है ना इसके अंदर, वो यार कम ऑन यार, हम लोगों ने इसको स्टेज 3 ट्यून करा रखा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेट्रोल खा रही है ना यार, तुम समझ रहे हो ना यार, कम ऑन यार। ठीक है भैया एथेनॉल डालना जरा ठीक है भाई भाई एथेनॉल जिसको पता नहीं भाई एक टाइप का फ्यूल ही होता है, तो वो इतना ज़्यादा भाई मतलब बेसिकली तुम्हारी गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ती है, वो प्रॉपर तुम्हारी गाड़ी स्टेज ट्यून होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए उसको डालने के लिए, उसमें चलने के लिए, बट उससे तुम्हारी गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, वो पेट्रोल जैसा नहीं होता, वो पेट्रोल से भी प्योर फॉर्म होता है मतलब, तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज चलती है, बट गाड़ी के अंदर बहुत गंदी बदबू आती है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदी, लाइक लिटरली ब्रो तुम रह नहीं पाओगे, ऐसी गंदी बदबू आती है भाई गाड़ी के अंदर। उसके बाद ये कलर कैसा लगेगा, थोड़ा सा लाइट, नहीं 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 मेरे को इसको यार कुछ डार्क कलर, ओ माय गॉड डोंट टेल मी ब्रो, आय हाय भाई आई डोंट थिंक सो ये कलर मेरी किसी भी गाड़ी का है, क्या ये कलर मेरी किसी भी गाड़ी का है अभी मेरे को बताओ प्लीज भाई, नो वे भाई ये परफेक्ट कलर है इस गाड़ी के लिए भाई, तुम देखो एक बार डार्क का डार्क, जो कि मैंने बोला था कि भाई मेरे को एक डार्क कलर की गाड़ी चाहिए, तो ये डार्क का डार्क हो गया एंड एवरीथिंग ब्रो, ये परफेक्ट कलर है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम लोगों को कोई और दूसरा कलर देखना है तो मैं वो करवा दूंगा, कोई सीन नहीं है, बट ये भाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है इस गाड़ी के लिए भाई, बहुत ही ज़्यादा भाई, क्या लग रही है गाड़ी कसम से रे, मज़ा आ गया। अब सीधे चलते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जंगल या फिर डेजर्ट चलते हैं, जाके गाड़ी की टॉप स्पीड और 0 to 100 कितनी तेज करती है देखो, हमें पता है 2.4 सेकंड में हमारी निसान GTR करती है 0 to 100, आई थिंक दैट इज़ द फास्टेस्ट, और 350 भी फास्ट। ओके ये फ्रंट रियर व्हील है, फ्रंट व्हील है, चढ़ के नहीं पाए भाई, भाई इससे थोड़ी ना मेरी उम्मीदें कम होती जा रही है सही बताऊँ तो इस गाड़ी से फॉर सम रीज़न, बट ठीक है इसको हम लोग डेजर्ट में ले जाते हैं, चलो लेट्स सी। ठीक है दोनों में ले जाएंगे ट्री, मैं इसको फॉरेस्ट भी ले जाऊंगा जस्ट इन केस अगर डेजर्ट में भागी नहीं तो। ठीक है वाइपर देखो कितना मस्त लिखा हुआ है इसको ओडोमीटर में, वाइपर भाई लेट्स गो। वैसे मैंने गाड़ी का नाम नहीं देखा, इन्हें गाड़ी का नाम क्या रखा हुआ है इसमें, अच्छा मैं निकल नहीं सकता बाहर, चलो रेडी। अरे स्पीड रिकॉर्ड क्या भाई, वामू लिखा हुआ कितना कूल लग रहा है यार, काश मैं सही में अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट में वामू लिखा हुआ पाता भाई। चलो रेडी 1 2 3 लेट्स गो। अभी मैं कोई गियर शिफ्ट अपनी मर्जी से नहीं करूंगा, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है जैसे चलना चाहिए, 0 to 100 अंडर 5 सेकंड, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ बैड, मैं जनरली बताऊंगा 0 to 100 इन अंडर 5 सेकंड्स आई डोंट थिंक सो बिल्कुल भी बुरा, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है अब हम लोग ट्राई करेंगे अपने हाथ से शिफ्ट्स करने की और देखेंगे अगर हम लोग इसको और कम कर सकते हैं। ठीक है रेडी 1 2 3 गो। नॉस खत्म हो गया हमारा, एक मिनट रुको, नॉस इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया भाई, आई थिंक फुल नहीं हुआ था, रुक जा बस। ठीक है एक बार रोकते हैं, नॉस को फुल होने देते हैं उसके बाद ही जाएंगे। ठीक है नॉस को फुल होने देते हैं फिर ट्राई करेंगे लो 0 to 100 4.9 सेकंड को बीट करने का। ठीक है लेट्स गो, परफेक्ट शिफ्ट होने चाहिए ना तभी होगा वो, 4.9 तो बीट हुआ और जो स्लो हो गया आई गेस। ठीक है लेट्स सी, चलो देखते हैं टॉप स्पीड क्या जाती है, बट अभी तक तो ये थर्ड गियर में कुछ खास नहीं दिखा पा रही है। ठीक है
थर्ड गियर में अपनी GTR अभी तक का समझ 200 पार चली गई होती ऑलरेडी। लेट्स सी ये कितनी जाती है, अभी तक कहीं 200 भी नहीं टच कर पाए भाई। मेरे को क्यों थोड़ा सा स्केची लग रहा है कि ये 300 भी पार कर पाएगी भाई, सही बताऊं तो। ठीक है, इवन दो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा कूल भी है दिखने की, पर मुझे क्यों लग रहा है 300 भी पार नहीं कर पा रही है भाई। मुझे फीलिंग आदमी हो जाएगा 300 तो आ रही है, आई थिंक सो, नॉट श्योर, क्योंकि एंड होने वाला है ब्रो। ओके 300 तो पार कर दिया इसने। ए डोंट टेल मी इसका मैक्सिमम स्पीड गाइस शायद से 300 है, इसका मैक्सिमम स्पीड शायद से 300 है भाई। अबे भाई यार, ओके लेट्स गो, लेट्स सी। ठीक है, हम लोग 9 से एकदम परफेक्ट टाइम्स में मारेंगे। लेट्स सी अगर ये 300 के पार जाती है भाई। ये बहुत महंगी गाड़ी है, GTR हम लोगों ने ऑक्शन में ली थी 6 लाख 6.5 लाख की ली थी, और ये गाड़ी हम लोगों ने 1 मिलियन में ली है भाई, और इतनी रेयर, इतने टाइम बाद मिली है गाड़ी, कम हो रहा है कहने को। कम ऑन ब्रो, डोंट डू दिस टू मी यार, कम ऑन भाई पर यार, कम ऑन ब्रो। यार ये 300 भी हिट कर रही है, नहीं कर रही है, मेरे ख्याल से मेरे को जंगल जाना पड़ेगा। वो जा रही है, 300 पार कर रही है। ओके ओ भाई साहब रुको, मैं एक काम करता हूँ, हम लोग एक बार बैक, ये क्या हो रहा है भाई, ओके कुछ ग्लिच हो गया था वहाँ पे, हम लोग एक बार बैक टू टाउन करते हैं इसको, एक बार फॉरेस्ट में जाके ट्राई करते हैं कि हम लोग इसकी 350 या फिर ऐसे कुछ टच करा पाते, क्योंकि इसमें ना एक्सेलरेशन थोड़ा स्लो है भाई इस गाड़ी का, मतलब बाकी सब कूल है बढ़िया है, बट इस गाड़ी का एक्सेलरेशन थोड़ा कम है। इसको फॉरेस्ट में ले जाते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है फॉरेस्ट में इसका टेस्ट करते हैं स्पीड। आई होप, मेरे को क्योंकि फील होता है कि फॉरेस्ट थोड़ा सा लंबा मैप है, ठीक है इसके लिए मेरे को लगता है कि फॉरेस्ट में हो सकता है ये चीज़। चलो रेडी, वही करेंगे हम लोग दोबारा से, शिफ्ट्स मैं मारने की ट्राई करूँगा। जीरो टू हंड्रेड तो वही करा है इसने जो करता है, 4.9 सेकेंड से ऊपर तो नहीं गई है, बट लेट्स ट्राई, ठीक है लेट्स जस्ट ट्राई कि हम लोग इसको 300 क्रॉस करा दे, बस 300। कम ऑन ब्रो, नॉस भर, जल्दी भर, मेरे को नॉस चाहिए दबा के भाई। ये गाड़ी बहुत स्लो है वैसे नॉर्मली अपने हिसाब से पकड़ने में। कम ऑन नॉस, आजा, मैप खत्म होने वाला है भाई। मुझे तो लग रहा है 308 भी पार नहीं कर पाएंगे। ओ 308 तो पार कर दी भाई, 314 मैक्स गई है, और मैं ये लास्ट रन करने वाला, क्योंकि मेरे को फील नहीं हो रहा है कि ये 350 पार कर पाई। मतलब बेसिकली गाड़ी बढ़िया है और ये भाग भी रही है, बट इसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए वो चीज़ करने के लिए। कहने का मतलब है जो GTR बेसिकली अपने तीसरे गियर में कर रही है, चौथे पाँचवें गियर में कर पा रही है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सैड हो रही है। ठीक है लेट्स गो, जबकि ये GTR से महंगी भी पड़ी मेरे को डॉज वाइपर, और उसके साथ साथ ये हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कैसे बताऊँ मुश्किल से भी मिली है। हम लोगों को लिटरली 3 GTR मिली तब जाके हम लोगों को एक डॉज वाइपर मिली यार, सोचो ना। जैसी गियर चेंज होगा ना वैसी करूँगा मैं एकदम से स्पीड ना, तो थोड़ा सा अपना फ़ायदा होगा। ठीक है, पर मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये कर पाएगी, बहुत मुश्किल है यार। 350 तो नहीं कर पा रही है, 350 तो नहीं कर पा रही है, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके आई थिंक हमारी स्टार्ट थोड़ी सी इसमें ख़राब हुई थी, तो इसकी वजह से 314 पे ही आई, बट ठीक है भाई। मैं एक लास्ट चांस दे रहा हूँ इस गाड़ी को, क्या हम लोग इससे 350 कर पाएंगे, मेरे को बस ये देखना है एक बार।
मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि ये गाड़ी में बहुत मिस हुई है और ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है मजाक सेट का, और ये बहुत सारी गाड़ियों से बेटर भी है भाई, ये 4.9 सेकंड में 0 to 100 कर रही है, ये बहुत ज़्यादा बेटर है। बट ये पता नहीं कैसे जब जब हाई गियर्स में आ रही है ना तो थोड़ी सी स्पीड स्लोली बढ़ रही है बेसिकली, मतलब ऐसा नहीं कि धाड़ दूड़ एकदम फास्ट बढ़ रही है ना, जैसे GTR की होती है हर गियर के साथ वैसी स्पीड बढ़ती जाती है जैसे पहले गियर में बढ़ती है, तो वो थोड़ा सा वो हो रहा है, बैकलैश हो रहा है, बट लेट्स ट्राई आर बेस्ट भाई, मैं तो बोलता हूँ चलो लेट्स सी बॉयज। नॉस जस्ट फुल होने वाला होगा ना, वैसी मारूंगा एकदम पूरा जितना हो सकता है, डॉज वाइपर कम ऑन ब्रो, तीन सौ चौदह के ऊपर जा ही नहीं पा रही यार मेरे से, मैं मजाक नहीं करूंगा यार, ये स्ट्रेच में ना यार 314 के ऊपर मैं भगा ही नहीं पा रहा हूँ भाई, ये स्ट्रेच खत्म हो जा रहा है यार, सही बताऊँ तो मतलब शायद से मैंने बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख ली थी डॉज वाइपर, सही बताऊँ तो मतलब गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई, मैक्सिमम जितनी भी अपने पास गाड़ी हैं उनको ये बीट कर रही है 0 to 100 में और सारी चीज़ों में, बट मेरे को जेन्युइन नहीं लगा था भाई, मैंने सुना था ऐसा कि लोग भी बोल रहे थे और क्या कहते आई थिंक डेवलपर्स भी बोल रहे थे कि ये गाड़ी भाई GTR क्लियर होगी, देखो अभी के लिए GTR इज़ द फास्टेस्ट कार इन दिस गेम, ठीक है, सारे मॉड लगने के बाद सारी चीज़ें होने के बाद GTR इज़ द फास्टेस्ट कार इन दिस गेम, और उसके बाद भाई वो लोग बोल रहे थे कि लिटरली डॉज वाइपर जो होगी वो फास्टर होगी GTR से, अब मुझे नहीं पता भाई स्टॉक में या फिर कैसे, बट मेरे को वो चीज़ मतलब सही बताऊँ तो फील नहीं हुई कि ये GTR से फास्टर होगी, इवन दो अनमॉडेड या फिर मॉडेड, भाई ये गाड़ी है तगड़ी नो डाउट भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ी है, थोड़ी भी नहीं, ठीक है, बट देखो GTR तो GTR है भाई, वो थोड़ा सा दिल के करीब भी है ना, तो शायद से वो भी हो सकता है, एक बार जाके देखते हैं, अगर गलती से भी रेस में सोचो हम गए और यहाँ पर हमें दिखी बूम डॉज, एक भी रेस नहीं है आज, एक भी रेस नहीं है भाई, ये क्या बदतमीजी है, चलो 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 फटाफट से जाते हैं, देखो महंगी गाड़ी बहुत ज़्यादा है और मैक्सिमम हमारी सारी गाड़ियों से जितनी भी हैं सबको ये बीट भी कर रही है, मैं इसको कोई सही जगह पे खड़ा करना चाहूँगा, ये हमारी सेंटर पीस है अपनी निसान GTR, ठीक है, पहले तो इसको भैया यार क्लीन नहीं रख रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों भाई, क्या दुश्मनी है मेरी GTR से इनको, ठीक है इसको ज़रा क्लीन कर देते हैं देर भी को, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि देखो इस साइड ऑडी R8 है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है, फिर इस साइड अपनी फरारी जो कि सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी है, उस साइड अपनी मास्डा RX-7 है, और फिर इस साइड अपनी लैम्बोर्गिनी है, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे किया जाए, देखो दो फरारी है यहाँ पे, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि एक फरारी हटा देते हैं, ठीक है, अपनी RX-7 को एक राइट पे लेके यहाँ पर ये डाल देते हैं, अपनी डॉज वाइपर डाल देते हैं, ठीक है, मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ कि ऐसे ही करते हैं, चलो ठीक है, मेरे को 2 सेकंड दो गाइज, मैं पूरा का पूरा चेंज करके तुम लोगों को मिलता हूँ 2 मिनट में। गाइज देखो मैंने लगा दिया है, ये अपनी GTR हो गई राइट साइड पे हमारी सबसे महंगी गाड़ी जो फरारी है 3.5 मिलियन की, फिर इस साइड पे हम लोग, मेरे को ये चेक करना था कि अगर मैं इसको रीसेल करने जाऊं, तो अपनी डॉगे रिवर बहुत बढ़िया भाई, ये 2 मिलियन के आसपास बिकेगी, 1.8 मिलियन की अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो लेट्स गो भाई, ये हमारी 3.5 मिलियन की हो गई, ये हमारी 2 मिलियन की हो गई ऑलमोस्ट, ये अपनी दिल की भाई प्राइसलेस गाड़ी हो गई, और उसके बाद यहाँ पर ऑडी R8 हो गई, फिर इधर लैम्बोर्गिनी आ गई, फिर अपनी सुपर आ गई, इस साइड पर अपनी RX-7 आ गई, फिर अपनी फरारी आ गई, फिर अपनी क्या कहते हैं पोर्शे आ गई, इस साइड पर अपनी दोनों GTR आ गई, फिर दोनों फरारी आ गई, फिर अपनी एक और RX-7 आ गई, फिर अपनी BMW M3, और उसके बगल में अपनी मस्टैंग GT आ गई, तो ये सारा का देखो अपना अगर देखा जाए मेन कलेक्शन में जो गाड़ियाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10, 11, ठीक है, उसके बाद फिर ये एक और बार हमारे पास एक तरह से पड़ी हुई, और तो और मिलेंगी तो मैं तो और रख दूंगा भाई मजाक सेट के, अगर ऐसी मेरे को जैसे भाई ये दिखने की क्या लग रही है यार गाड़ी, मैं मजाक भी नहीं करूंगा, वन ऑफ द बेस्ट गाड़ियाँ गारंटीड दिखने की
जो सबसे ज्यादा खूबसूरत गाड़ियां हैं उनमें गारंटीड डॉज वाइपर आ जाएगी भाई, गारंटीड। लाइक फास्टेस्ट में तो है ही, बट गारंटीड दिखने की भी है। बट GTR इज स्टिल द किंग इन दिस गेम भाई। अगर तुम्हारे पास GTR है सो यू हैव द फास्टेस्ट कार इन द गेम, अगर तुम्हारे पास GTR पड़ी है तो। बाकी तुम्हारे पास रियल लाइफ में भी GTR है, तुम तो ऑलरेडी जीत रहे हो जिंदगी में भाई यार। लोगों को देखने को भी नसीब नहीं हो रही है, तुम्हारे पास GTR पड़ी है, ठीक है भाई। ये क्या लग रहा है लेकिन अपना पूरा का पूरा कलेक्शन भाई, मज़ा ही आ गया बिल्कुल। आई जस्ट होप जल्दी से जल्दी यार वो आए जिसमें अपडेट में हम लोग अपना शोरूम बढ़िया से एकदम तगड़ा बना पाए। ये जितनी गाड़ियाँ देख रहे हो ना तुम, इनको इतना बढ़िया बनाऊंगा ना मैं, इतना ऐसा शोरूम में कांच से दिखेंगे ना ये दूर से ही, मज़ा आ जाएगा कसम से। बट अभी के लिए तो ये पूरा कलेक्शन हो गया है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम लोग इसका कलर चेंज करवाना चाहते हो। एंड यस, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, और मेरे को बताना अगर तुम लोग कोई चैलेंज करते हुए देखना चाहते हो मेरे को कार फॉर सेल में, गारंटीड से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बताना मेरे को। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए भाई। तुम लोगों का लक जो चला है ना, मैंने बोला लाइक मारो क्या पता मिल जाए, और जेन्युइनली भाई पहली गाड़ी जो दिखी वो सीधे ये डॉज वाइपर थी। एंड फाइनली अपना पूरा का पूरा कलेक्शन कंप्लीट हो गया भाई। मेरे हिसाब से एक कंप्लीट कलेक्शन के लिए 1.5 लाख लाइक तो बनते हैं। तो जो भी देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, और देखते हैं अगर तुमने 1.5 लाख लाइक करा पाते हैं या नहीं।